गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube। रास्ते भर में पानी हो रहा है, पानी देखिए, ये बीज खेतों में तभी हमारे यहाँ रोपाई लगती है। इस वाले खेत में तो इस साल मैंने पूरा यहाँ तक पूरा बना दिया। तो चाची लोग तो पता नहीं किस समय से आए थे, पता नहीं सब गन्या पका के। 1:20 हो चुके हैं दोस्तों, को हमारी पहाड़ी दिनचर्या विपत्ति का गोर है। रुपया लगा लिया चाहिए, रुपया लगा लिया, बिल्कुल बुबू बन के आई है। 4:00 तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अमा लोगों के घर में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में तेरे साथ लिंदी भी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मला इकराल पहाड़ी ब्लॉग में। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी, सुबह के 10 से नाश्ता वगैरह हो चुका है। अभी जा रही हूँ घर के में गाय बच्चों को पानी देने के लिए, उसके बाद जाना है दोस्तों मेरे को खेत में घास काट के लाऊँगी, थोड़ा हरी घास गाय के लिए। और दोस्तों आज बारिश का चौथा दिन है, आज भी लगातार सुबह से बारिश चलती रह रही है, अभी भी देखिए बारिश ही है। और तो देखते हैं क्या होता है आज करके, और इधर मौसम देख लीजिए दोस्तों। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है दोस्तों, ये देखिए बारिश का मौसम हो या कुछ भी मौसम हो, मतलब धूप हो या बारिश हो, अगर काम हो जाए तो पहाड़ की औरतें बिल्कुल ना धूप देखती है ना बारिश देखती है। तो खेत के लिए आ गई थी मैं, और यहाँ की औरतों का, हमारी पहाड़ी औरतों का, हम लोगों का ऐसा ही था, काम हो गया तो ना धूप ना पानी। तो 2-4 पहले तक इतनी ज़्यादा धूप लगी थी तो धूप में ही काम करना हो रहा था इनका, और अब बारिश हो रही है 4 से लगातार, तो खेतों में जाना भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। तो एक दूसरे को देख के हो ही जाता है कि उसने कर दिया है और मेरा रह गया है करके। तो दोस्तों उस वजह से मैं भी आ गई हूँ, क्योंकि सभी बना लेंगे ऊपर नीचे खेत वाले, तो मेरा ही रह जाएगा। तो उस वजह से मैं भी आ गई हूँ रेतानी लगाने के लिए। तो 2 गोड़ के जब धान के पौधे सराते हैं, इधर उधर डूबते हैं, जिस जगह पे नहीं होते हैं जहाँ पे होते हैं वहाँ से दूसरी जगह डूबते हैं। तो अगर बारिश में मतलब पानी हो गया तो लेतानी लगाना बोलते हैं, पानी नहीं हुआ तो खाली एक माट छलको माँ मिट्टी छलकाना बोलते हैं उसको, मिदुरे से इधर उधर थोड़ी मिट्टी फेंक के आते हैं। और यहाँ पर मैंने तिल सारे थे, ये देखिए तिल के पौधे भी लग चुके हैं मेरे, ये है मेरे पीड़ों। तो चलती हूँ मैं भी खेत के लिए, सभी औरतें गई हैं यहाँ खेतों में। तो हमारा घर तो सबसे ऊपर है, हमारा घर सबसे ऊपर है दोस्तों, तो उस वजह से हमको कुछ पता चलता नहीं है कि खेत में गए हैं नहीं गए करके। तो मैं अभी आई थी घास काटने के लिए, तो यहाँ पर सभी लेडीज हैं अपने अपने काम पर लगी हैं, तो इनको देख के मैं भी आ गई हूँ। तो दोस्तों खेत का तो अब मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि बारिश भी लगी है, और लेकिन खेत में जाते ही वो दिखाऊँगी कि कितने पानी में हम लेतानी लगाते हैं, रोपाई लगाते हैं करके। तो खैर इस साल तो रोपाई लगाने जैसा पहले नहीं हुआ था, सूखा हुआ था, तो उस वजह से मैंने पूरा ही बो दिया है, लेकिन नहीं तो हर साल मेरी रोपाई होती थी। इस साल मतलब खेत को भी पता चल गया था कि इसका ऑपरेशन हुआ है करके, ये खोद नहीं पाएगी, तो उस वजह से ट्रैक्टर पूरे में ही लग गया, मतलब गीला नहीं हुआ था तो अच्छा हुआ था। तो दोस्तों अब चलती हूँ खेत के लिए, खेत में यहीं पे से चक्की के नीचे से काम कर रही है महिलाएं, तो किसी ने पन्नी ओढ़ रखी है, किसी ने रेनकोट, हाथ भी थक गया है, चलते हैं। तो दोस्तों जूम भी नहीं हो रहा है कैमरा, बारिश के छींटे पड़ गए हैं, ये देखिए यहाँ पे हैं 2 और वो नीचे पे है, तो मेरे को जाना है इस पेड़ के नीचे, वहाँ पे भी दिख रही हैं वो, देखिए महिलाएं। तो मैं भी चलती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप पानी, रास्ते भर में पानी हो रहा है, ये देखिए देखिए इतना पानी हो रहा है रास्ते। तो बस पहुंचने वाली हूँ मैं खेत में, फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए ऊपर से ही
जिसके खेत में धान नहीं थे, धान सरा दिए हैं महिलाओं ने। ये देखिए सभी लेडीजें आई हैं यहाँ गुड़ने के लिए, बाकी के बच्चे नीचे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ नीचे ही, फिर मिलते हैं। दोस्तों देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में और यहाँ पे पानी देखिए, ये बीज खेतों में तभी हमारे यहाँ रोपाई लगती है इस वाले खेत में। तो इस साल मैंने पूरा यहाँ तक पूरा बना दिया है, इस साल मेरी रोपाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पानी पूरा चमक रहा है देखिए। तो चाची लोग तो पता नहीं किस समय से आए थे और यहाँ पे मोहंदी की हो गई है रोपाई, ये देखिए। हेलो कोबार ने इच्छा इच्छा उन ब्याई थी नी लगाए ची रोपा। गाड़ गंगा इतना लग रहा है वही चाहते थे। तो मोहंदी की हो गई है यहाँ पे रोपाई, नीचे खेत पे है चाची। तो मैं भी जाती हूँ अपने खेत में, मेरा खेत है यहाँ पे, तो चाची है यहाँ पे, तो चलते हैं। तो दोस्तों देखो हमारी चाची तो सुबह आ गई थी यहाँ पे, टाइम हो चुका है 10:30। किस समय से आके ये देखिए इतना निकाल दिए, ये क्या निकाल रहे हो चाची? अच्छा देखिए इतना निकाल दिया है। तो देखिए मैं आई थी इस खेत में लेथानी लगाने के लिए, 4 दिन की बारिश होने के बाद भी हमारे खेत में पानी नहीं हुआ है। बाकी देख सकते हैं आप यहाँ इतना पानी बह रहा है और हमारे खेत में बिल्कुल पानी नहीं हो रहा है। तो अब मैं मिद्रा तो नहीं लेके आई, चाची लेके आई है, चाची के मिद्रा से बनाती हूँ कहीं कहीं पर। तो बनाते हैं फिर चलते हैं घास काटने के लिए। तो दोस्तों एक बार हमारे खेतों का व्यू देखिए कितना सुंदर आ रहा है, और ये जो पानी बह रहा है बीचों बीच। ये देखिए खेतों में काम करती महिलाएं हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये नीचे पे भी हैं देख सकते हैं आप। इस खेत की सुंदरता को बढ़ा रखा है बेस के पेड़ ने जो है, ये देवरूपी पेड़ है ये। वाले खेत में हुआ है मेरा पानी, वहाँ वाले खेत में नहीं है पानी। ये देखो इसमें तो इतना पानी बह रहा है। तो इस खेत को बनाती हूँ मैं, उसको रहने देती हूँ, ये बनाना है देखिए मैंने। 1:20 हो चुके हैं दोस्तों और अब जाने की हो गई है हमारी तैयारी घर को। तो दोस्तों गांव का हमारा जनजीवन यही ठहरा, गांव की महिलाएं कैसे काम करती हैं बारिश में भी, एक तो वो भी दिखाया मैंने आपको कि काम के साथ बारिश हो रही है, काम के साथ साथ ये काम भी हमारा ज़रूरी है। तो धूप हो या बारिश हो, जैसा भी होगा मैं आपको हमारी पहाड़ी दिनचर्या, पहाड़ी काम धाम जो भी होता है वो दिखाने की आपको ज़रूर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी। और दोस्तों अब चलते हैं घर के लिए, घास भी काटना है, भात खाने का टाइम भी हो चुका है, 1:30 बजने वाला है। तो अभी चलते हैं, यहाँ से नीचे से आ रही है गीतू दी, तो चलते हैं अब। सारा दिन मैं आ रही हूँ। तो दोस्तों देखिए चाची लोग भी आ गए हैं खेतों से, ये देखिए चाची कहाँ से आए? हाला बिहार यान विपत्ति का गोर यान रुपा लगा लिया चाहिए, रुपा लगा लिया। अच्छा ये रुपा लगा तब वही हाला बिहार यान विपत्ति गोर यान और किस और क्यों जाब हुन जा पानी में ओए ना नातिन को पछान हुन अभी हमने भूगल मन में आज बड़ा सारी भूगल मन तब बैठा। ये देखिए आमा हमारी बिल्कुल बुबू बन के आई है, बन के आना पड़ेगा ना इस सीजन में। हाँ आजकल नहीं तो फिर कब, तभी तो। ये देखिए हमारी आम पहाड़ी महिलाओं की यही होती है हमारी कदर पहचान पहचान हमारी कदर यही होती है। हमारे पहाड़ी महिलाओं का जनजीवन ऐसा ही ठहरा दोस्तों। देखो आशी और कुट्टा 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 नहीं समझती हो तो मिद्रा।
गीत गा कि मिद्रा खुट्टा हो चड़काली पकड़ फिर खुट्टा चार बज के 26 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और अभी आज 4 दिन बाद धूप देखने को मिली और हम लोग जा रहे हैं अभी काला घर वड्डा से थोड़ी ऊपर है अमा की खबर करने के लिए, हाल समाचार पूछने के लिए। अमा आई है 15-16 दिन में घर बरेली से, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और मेरे साथ है गित्तू है और मुन्नी है, तो हम तीनों जा रहे हैं ये देखिए। और अभी धूप आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बारिश के बाद का मौसम, ये देखिए व्यू कुछ अलग ही दिख रहा है, मतलब बहुत सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए। और फील्ड में भी पानी। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अमा लोगों के घर में और अब पूछते हैं अमा का हाल समाचार। तो दोस्तों देखो बारिश की वजह से जगह जगह से पानी निकल रहा है, ये देखिए घरे बन गए हैं जगह जगह पे, जल स्रोत बढ़ गया है। खुटा ताई दोबल मैं भी पूछ रही हूं, मैं तो कुछ नहीं छापा छापा तो फिर वहां बोल रहे थे क्या रिपोर्ट। और यहां पे है लिल्दी भी है अभी हमारे साथ में। हां तेरे साथ लिल्दी भी है, तीन गए थे अभी चार हो गए हैं। ये देखिए और बोलिए मेरे साथ में लिल्दी भी है बोल। आठ बज के 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी खाना। और वड्डा से आ गए थे हम लोग, जल्दी आ गए थे, टाइम पे आ गए थे, तो वहाँ मैंने वीडियो बनाया नहीं क्योंकि अम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी, तो दिखाने जैसा भी नहीं हुआ था, बहुत ही सीरियस हालत हुई है अम्मा की। और आज 14 दिन में अम्मा, कल 14 दिन में दोस्तों बरेली से घर आई है अम्मा, लेकिन अचानक ही अम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, मतलब पता नहीं चला कि क्या हुआ है करके। जब हमने तल्ला घर में चादर लगाई थी तब तो अमां ठीक थी, उसके बाद अमां को एकदम से, अमां की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, तो 4 दिन यहाँ MH में रही थी अमां, और उसके बाद बरेली रिफ़र किया गया, तो बरेली भी अमां को एम्बुलेंस में ही ले जाया गया, और घर में भी एम्बुलेंस में ही लेके आए हैं। तो लोग गए थे अम्मा का हाल समाचार पूछने के लिए, तो तबीयत थोड़ी वैसी हुई है अम्मा की, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। तो दोस्तों इस वीडियो की समाप्ति यहीं पे कर देते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।